तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं? होने वाला नया व्लॉग। तो गाइस, हम त्रिपाल कर रहे हैं, हमारा गाड़ी लोड हो चुका है बीकानेर के लिए। तो गाइस, सब गाड़ी कंप्लीट हो गई, अभी खाना बना रहे हैं। गाइस खाना बना रहे, थोड़ा रह गया है खाना, सब्जी बनाना, लेकिन गैस ख़त्म होने वाला है, लगभग ख़त्म हो गया, तो फिर भरा के लाना पड़ेगा। तो गाइस, हमारा गैस ख़त्म हो चुका है और हमने यहाँ से किया है ऑटो। अब ऑटो में बैठ के जा रहे हैं अब चिकली गाँव, वहाँ से गैस भरवा के लाएंगे, क्योंकि रोटी तो बन गई है, लेकिन गाइस गैस नहीं है, अभी सब्जी बनना बाकी है। तो गाइस अभी सब्जी बनाएंगे, तो हम जा रहे हैं अभी गैस कहाँ भरते पता करते हैं। तो गाइस किसी ने बताया है कि इस तरफ है, तो वहाँ जाएंगे, हो सकता है अगर गैस भर दे तो ठीक है, नहीं भरा तो फिर गाइस सब्जी कहीं मोल लाना पड़ेगा होटल से। हेलो गाइस, गाड़ी भर गई है, पेपर का इंतज़ार है, बस निकलने वाले पेपर मिलते ही। गाइस हम पहुंच गए हैं भरूच, अंकलेश्वर और भरूच के बीच में ये नर्मदा नदी है, उसका ब्रिज है, ये बहुत ही शानदार ब्रिज है, लंबा भी है, कम से कम आधा किलोमीटर से भी ऊपर ही है ये, लेकिन यहाँ का जो व्यू है बहुत शानदार व्यू आता है। और अभी इतनी गर्मी के अंदर भी इसमें पानी है, और ये बरसात के अंदर तो पूछो ही मत, इतनी बहती है कि कुछ भी आजू बाजू में जो झाड़ दिख रहे हैं ये भी नहीं दिखते हैं, पूरी उधर इधर से पूरी एक ही दिखती है ये। अगर गाइस आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, कमेंट करें आप कहाँ से हो। और हम पहुँच गए हैं फलोदी, और अभी यहाँ शाम की 7 बज रहे हैं लगभग, 6:30, और रात हो गई है गाइस। हम बीकानेर पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और रह गया है 25-30 किलोमीटर, फिर हम पहुंच जाएंगे पॉइंट पे, वहाँ बालू रेत हैं साइड में, 15 किलोमीटर साइड में कुछ गांव हैं। तो गाइस लपड़ा हो गया यहाँ पे, तो गाड़ी फंस गई है, परेशान होने के बाद हम गाड़ी पे सो रहे हैं ऊपर जाके, और अभी सुबह देखेंगे क्या है। ट्रैक्टर लाए थे, नहीं निकला, हम वीडियो बना तो नहीं पाए, लेकिन यहाँ लॉन्ग रास्ते में घुस गए, हमारी गाड़ी बालू रेत में फंस गई है। तो गाइस अभी सुबह ही जेसीबी वेसीबी कुछ लाएंगे, तो हमने गाड़ी के ऊपर ही बिस्तर कर लिए हैं और यहीं सो रहे हैं, अंदर नहीं सो रहे हैं, ऊपर सो रहे हैं। तो गाइस अभी सुबह देखेंगे कि यहाँ पे हवा तो मस्त आ रहा है, शानदार हवा आ रहा है, बस चांद दिख रहा है खूब सुंदर। गाइस ये है सुबह का, देखो इस तरह से हमारी गाड़ी फंसी थी, पीछे एक गाड़ी और है, ये आगे बालू रेत थी, यहाँ फंस गई गाड़ी, पीछे से एक जेसीबी लगाना पड़ेगा, एक आगे लगाना पड़ेगा। तो गाइज़ उसका वीडियो सही से नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद गाड़ी निकालूँगा तो वीडियो कौन बनाएगा। तो गाइज़ इस तरह से हमारी गाड़ी फंसी हुई है, देखो हमने रात को कोशिश की है, ट्रैक्टर भी आया था रात को, तो उसका तो वीडियो बना नहीं पाया हूँ, लेकिन ये देखो टायर घुमा रही बालू रहते हैं, ये देखो साकल वाकल आगे लगाई हुई है, और ये देखो ट्रैक्टर भी आया था, ट्रैक्टर यहाँ पूरा खड्डा खोद दिया उसने भी। तो गाइस ये देखो आगे का बम्पर भी बेंड कर दिया है साइकिल खींच खींच के। तो गाइस बहुत परेशानी है बालू रेत में, यहाँ रास्ता चूक गए थे हम, थोड़ा साइड में होकर मुझे आना था, लेकिन ये जो लोकेशन इधर ही का बता रहा था, क्योंकि हमको मालूम नहीं था यहाँ और नया प्लांट है, यहाँ पर पहली बार गाड़ी आ रही है, इसलिए हमको मालूम भी नहीं आगे, और लोकेशन ये ऐसे ही लगा रखे कंपनी के, वो खूटे लगा रखे हैं यहाँ पर, और एक उधर गाइस देखते होंगे साइड में वो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते से आना था हमें, वो आज ही सही थे बोले कंप्लीट किए हमने, ये ऐसे खूटे लगा रखे, तो हम इसी के हिसाब से इधर ही आए थे भाई, यही है सिग्नल लग रहा है हमको। तो गाइस सुबह का 7:30 हो रहा है, और ऐसा लग रहा है धूप की वजह से कि 9-10 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान में एकदम सीधा किरण आता है, और ये देखो ऐसा लग रहा है कि वो टाइम हो रहा है, लेकिन मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। तो अभी हम जेसीबी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जेसीबी आ जाएगी तो फिर हम निकाल के चलेंगे। गाइस हमारी जेसीबी लगभग आ रही है, गाइस जेसीबी आ गई है, गाड़ी निकाल भी दिया है, दो जेसीबी लगी थी, प्लांट में जा रहे हैं, ये सामने प्लांट है, गाइस सायरन दे रहा है ये बंदा। आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो, बने रहिए हमारी वीडियो के अंदर, फिर एक लेके आएंगे कोई नया व्लॉग। चल दे गए, ऐसा करते हैं, आपने अच्छा लगा होगा ये।